हे गाइस वेलकम टू आब चैनल जो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हंड्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन जियोग्राफी ऑफ इंडिया जो कि हर बार कॉम्पिटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं ओके तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा शेयर करिएगा और आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेललाइकन को भी प्रेस करिए ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सो so, वाइज जैसे कि मैंने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियोग्राफी ऑफ इंडिया ओके तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो जो जो क्वेश्चन जियोग्राफी ऑफ इंडिया के ऊपर पूछा जाता है हर बार कॉम्पिटिव एग्जामिनेशन में कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सो so, उसी के बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं ठीक है हंड्रेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो में ओके तो दो पार्ट होगा एक पार्ट ये पार्ट वन है जिसमें फिफ्टी क्वेश्चन होगा और पार्ट टू होगा जिसमें फिफ्टी क्वेश्चन होगा दोनों पार्ट में लग के हंड्रेड क्वेश्चन ओके सो चलिए पढ़ाई करते हैं सो so, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द स्टेट विथ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया आंसर है उत्तर प्रदेश दूसरा द लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया इन इंडिया इज राजस्थान स्मॉलेस्ट स्टेट इन एरिया ऑफ इंडिया इज गोवा इंडिया डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पिन कोड जोन्स नाइन इंडिया लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इज एट गोरखपुर इंडिया लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी इज मुंबई आप इस लोग आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं ठीक है द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया हैज़ बिन इन कोलकाता द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया इज़ इंदिरा सागर लेक The most important uranium mine in India is located at Jaduguda. How many states touches the boundary of Madhya Pradesh? Five states. India is the largest producer and consumer of tea. Which state in India has the lowest literacy? Bihar. The national flower of India is lotus. विच इज द स्टेट कैपिटल सिचुएटेड ऑन द रिवर गंगा पटना द राघा विच इज संग अर्ली इन द मॉर्निंग इज रागा टोडी वॉट इज द टोटल नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स इन इंडिया थर्टीन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइस्ट पर कैपिटल इनकम गोवा इंडिया फर्स्ट टीवी सेंटर वॉज सेटअप एट दिल्ली Largest zoo in India is the Arignar Anna Zoological Park. Which state, which Indian state is often called the heart of India? Madhya Pradesh. Where is the Central Drug Research Institute situated? Lucknow. Where is Indian Institute of Petroleum? Dehradun. Where is the National Physical Laboratory situated? New Delhi. Where is Central Mining Research Station? Thanbad. The Heavy Engineering Corporation is at Ranchi. Indian Navy Academy is situated at Kerala. The highest rank in Indian Army is Field Marshal. The Indian Army headquarters is in न्यू दिल्ली द इंडियन मिलिट्री अकेडमी इज लोकेटेड एट देहरादून द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इज इन न्यू दिल्ली द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज़ कंचनजुंगा द इंडियन सिक्योरिटी प्लेस लोकेटेड एट महाराष्ट्र हु एमोंग द फोलोइंग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिटाइन द सर्कमेंस ऑफ द अर्थ एरे ऑफ सायरिन which of the following state is the only diamond producing state in India? Madhya Pradesh. The Red Cliff Line is the international border between India and Pakistan. River Luni originate, originates from which among the following ranges? Range? Aravalli Range. The Khasi and Gora Garo are the language of the state of Meghalaya which are the main gases present in sun hydrogen and helium with which country india has the longest international boundary bangladesh the country with largest population of muslim is indonesia the thar express goes to pakistan silver is found in which indian state rajasthan Aluminium is abundantly found in which Indian state? Uttar Pradesh. Kajiranga National Park is in Assam. The region around South Pole is known as Antarctica. The largest union territory of India is Andaman and Nicobar Island. Delhi is on the banks of Yamuna. द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज़ लखनऊ इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज़ नोन एज द लैंड ऑफ सनराइज अरुणाचल प्रदेश सो गाइज ये फिफ्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारा ये फर्स्ट पार्ट का है ओके जो कि बहुत ही बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है ओके सो आप इसे याद करके रख सकते हैं और आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं ओके सो so गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिए और सब्सक्राइब तो जरूर करिए हमारे यूट्यूब चैनल जॉब पेस्ट को ओके गाइज़ थैंक यू